हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज वर्ब्स। वी विल डिस्कस अबाउट वर्ब, यानी वर्ब्स क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, वर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। लेटिन भाषा से शब्द वर्बम से निकलता है। ये वर्ब जो हमारा बना हुआ वर्ब नहीं होता स्टूडेंट, जैसे कि हम प्रोनंसिएशन करते हैं इसकी, वर्ब नहीं वर्ब। ओके, इसका अर्थ है एक वर्ड यानी एक शब्द वर्ब से कार्य करने का या होना स्पष्ट होता, कोई भी काम होना है। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वर्ब हमारी होती है एक्शन वर्ब होती है, जिससे हम फिजिकली कोई काम करते हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं। कोई भी वाक्य बिना वर्ब के पूरा नहीं होता है, हमेशा इनकम्प्लीट होता है। वर्ब वाक्य का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। वर्ब को हम दो निम्न टाइप से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। वर्ब के हमारे चार पार्ट्स में इसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ मेन वर्ब्स, सेकंड मेन वर्ब्स में ही मेन वर्ब्स का ही पार्ट हमारा होता है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। सेकंड पार्ट है ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसी का पार्ट होता है प्राइमरी और मॉडल। यानी मेन वर्ब्स होती हैं स्टूडेंट्स एक्शन वर्ब्स, जो हमारा फिजिकली कोई काम होता है उसको हम मेन वर्ब्स में काउंट करते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो नीचे सेंटेंस लिखा, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है हमारा आई एम प्लेइंग, एन ऑक्सिलरी वर्ब, जो एम है सॉरी इसमें वो है ऑक्सिलरी वर्ब, और जो प्ले है वो हमारा मेन वर्ब है स्टूडेंट्स। एम यानी हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब सेम ही बात होती है। ही इज़ राइटिंग, तो इज हमारी ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब है और राइट हमारी मेन वर्ब है। दे आर रीडिंग, अच्छा तो दे क्या है हमारा यहाँ पे थर्ड पार्ट में हम देखते हैं। दे हमारा यानी प्रोनाउन है, या हम इसको सब्जेक्ट भी काउंट कर सकते हैं, सब्जेक्ट। और आपको पता है सब्जेक्ट की प्लेस पे या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा। और आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है यानी ऑक्सिलरी वर्ब है, रीड हमारी मेन वर्ब है। अब हम मेन वर्ब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स। ऐसी वर्ब्स जिनके साथ ऑब्जेक्ट लगा होता है उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। यानी ऑब्जेक्ट आना बहुत ज़रूरी होता है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या का क्वेश्चन, जैसे हम कहते हैं वी प्ले, हम खेलते हैं, तो खेलने के साथ हम क्या का क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या खेलते हैं भाई, फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं। ठीक है, तो खेलने के साथ जो फुटबॉल क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट आना ज़रूरी है। अब हम कहते हैं एक सेंटेंस में राधा रोती है, क्या रोती है, ये क्वेश्चन बन सकता है क्या, क्या रोती है, नहीं बन सकता ना। तो रोने के साथ यानी जो रोना हमारी मेन वर्ब है उसके साथ ऑब्जेक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जो वीप वर्ब है यानी रोने की इंग्लिश वीप होती है, वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव का अर्थ है पासिंग ओवर, अर्थात जिन वर्ब्स में एक्शन कर्ता तक ही सीमित नहीं रहकर, यानी जो काम है वो सब्जेक्ट तक ही ना रहकर ऑब्जेक्ट पर पास ओवर हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी था मैंने बोला राधा रोती है, तो इसमें राधा से ही काम चल जाता, राधा रोती है बस। ठीक है, अब मैं कह लूँ मैं खेलती हूँ, तो ऑब्जेक्ट आना जरूरी, क्या खेलती है, मैं से अकेले से काम नहीं चलेगा, क्या खेलती है भाई। ठीक है, तो ये चीज़ें क्योंकि जब भी आप ये पूछते हो बच्चों से भी पूछ रहे होते हो क्या कर रहे हो भाई, तो कहते खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हो, ये चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ होती है। जैसे इसमें है रमेश हिट्स अ बॉल, रमेश एक बॉल को हिट करता है, रमेश क्या हिट रमेश हिट करता है, अब हम ऐसे बोले रमेश हिट करता है, अब क्या हिट करता है तो क्वेश्चन ज़रूर आएगा ना। तो जो बॉल है हमारा वो ऑब्जेक्ट है, सिर्फ सब्जेक्ट रमेश से काम नहीं चलने वाला। ही रिंग्स द बेल, वह घंटी बजाता है, हमें कहते वह बजाता है, क्या बजाता है तो जरूर क्वेश्चन पुट होएगा, तो सिर्फ वह सब्जेक्ट से काम नहीं चलने वाला ना, तो ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। या हिट्स एम रिंग्स ट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयुक्त हुई है, जिनमें एक्शन कर्ता तक ही सीमित नहीं रहा है बल्कि ऑब्जेक्ट बॉल या फिर बैल पर पास ओवर हुआ है। तो सामान्यतः वर्ब से क्या और किसको प्रश्न करने पर यदि हमें उत्तर मिलता है तो वही जो ऑब्जेक्ट का, हमें कैसे पता करते हैं ऑब्जेक्ट क्या या किसको, व्हाट या होम का क्वेश्चन करके पुट करके करते हैं ना हम ऑब्जेक्ट का पता। तो इससे अगर हमें कोई उत्तर मिलता है तो वह वर्ब ट्रांजिटिव है। और जैसे एक में क्या प्रश्न करने पर हमें बोल का पता चला, क्या हिट करता है, तो हिट एक ट्रांजिटिव वर्ब हो गई है हमारी।
ठीक है, वर्ब को हम वर्ब का टॉपिक करें तो हिट हमारी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम डिस्कस करेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। इंट्रांजिटिव वर्ब्स में एक्शन कर्ता तक ही सीमित रहता है, ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं होता है। जैसे ही स्लिप्स इन द बेड, वह बिस्तर पर सोता है, ठीक है, तो वह बिस्तर पर सोता है, वह क्या सोता है, क्या का कोई क्वेश्चन पुट नहीं होता है, ठीक है, तो स्लिप्स क्या, स्लिप के जो है हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं आती है। इन द बेड हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा नेक्स्ट पर्सन होता है। इन द बेड पर सोता है तो ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारी एडवर्ब होती है। श्याम स्पीक्स लाउडली, श्याम जोर से बोलता है, क्या बोलता है का तो क्वेश्चन ही नहीं, आंसर भी नहीं है इस सेंटेंस में, ठीक है, जोर से बोलता है, तो जोर से हमारा क्या एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इन वाक्यों में वर्ब स्लीप एंड स्पीक्स इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनके एक्शन कर्ता तक ही सीमित रह गए हैं, किसी ऑब्जेक्ट या पास ओवर नहीं हुआ है। इन वर्ब्स से क्या, किसको प्रश्न करने पर कोई उत्तर भी नहीं मिलता। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, अधिकांश वर्ब्स का प्रयोग ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली दोनों तरह से हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने प्ले का बताया, वो खेल रहा है, ठीक है भाई, खेल रहा है से भी संतुष्ट है, और ये भी पूछ लेते हैं कई बार, क्या खेल रहा है भाई, ठीक है, तो ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली कई बार वर्ब्स ट्रांजिटिव भी हो जाती है और इंट्रांजिटिव भी हो जाती है, ओके, एक ही वर्ब। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने इसमें एग्जाम्पल में हम करते हैं, फॉलोइंग सेंटेंसेज है वर्ब्स यूज्ड ट्रांजिटिवली, जैसे ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह सच बोलता है, क्या बोलता है, सच बोलता है, तो सच हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया। तो स्पीक यहाँ पर क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और सीता स्पीक्स स्लोली, सीता धीरे बोलती है, तो क्या का जवाब नहीं है, धीरे बोलती है, तो स्पीक्स हमारी यहाँ क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। स्टूडेंट रैंग द बेल, स्टूडेंट ने घंटी बजाई, ठीक है, बेल आएगा यहाँ पे, बोल नहीं आएगा, तो घंटी बजाई, स्टूडेंट्स ने घंटी बजाई, तो क्या बजाई, घंटी, तो रैंग हमारे यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज हुई है पास्ट टेंस में, तो रैंग हमारी क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। और द बेल रैंग लाउडली, घंटी जोर से बजी, तो यहाँ पर रैंग क्या, क्या बजी नहीं है, लाउडली तो हमारा एडवर्ब है, ठीक है ना, बेल क्या बजी नहीं है, बेल के साथ क्वेश्चन करें कि बेल क्या बजी नहीं है ना, क्या का जवाब नहीं मिल रहा, तो रैंग हमारी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है स्टूडेंट्स। ही फ्लाइज काइट्स, वह पतंग उड़ाता है, क्या उड़ाता है, पतंग, ये ठीक है ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ पर फ्लाइज पक्षी उड़ता है, पक्षी क्या उड़ता है, कोई जवाब नहीं, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने देखा कि एक ही वर्ब को हम ट्रांजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं और इंट्रांजिटिवली भी। जब वर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिवली होता है तो इसके साथ ऑब्जेक्ट जरूर आता है, लेकिन जब वर्ब का प्रयोग इंट्रांजिटिवली होता है तो इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है। सेकेंड पार्ट, किसी भी वर्ब के लिए यह कहना कि यह ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब गलत है, इसके बजाय हमें यह कहना चाहिए कि वर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिवली या इंट्रांजिटिवली हुआ है, ठीक है। हम किसी भी वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं बोल सकते, हम ये बोलेंगे इस वर्ब का यूज़ ट्रांजिटिवली हुआ है या इस वर्ब का यूज़ यहाँ पर इंट्रांजिटिवली हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं, ये हमने बात की वर्ब्स की यानी मेन वर्ब्स की, अब हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ऑक्सिलरी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम प्राइमरी वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दो टाइप्स की होती है ऑक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती हैं, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को तीन भागों में बांटा गया, क्लासिफाइड किया गया है, वर्ब्स टू बी, ठीक है स्टूडेंट्स। टू बी जो होती है, इज एम आर वॉज वर, इसके बी के ही यानी टू बी के ही पार्ट होते हैं। हम जब वर्ब्स की फॉर्म याद की थी तो हमने देखा था कि तीन वर्ब्स नहीं होती हैं, वर्ब की थ्री फॉर्म्स नहीं होती है, फाइव फॉर्म्स होती हैं, तो टू बी हमारा इन्फिनिटिव है, ठीक है, ये हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे इन्फिनिटिव क्या होता है। तो इज एम आर वॉज वर हमारी बी की ही फॉर्म होती हैं, अगर हमें बी को टू बी को प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है तो हम इज एम आर यूज़ करेंगे, पास्ट में करना है तो वॉज वर यूज़ करेंगे। वर्ब्स टू हैव, हैव की भी हमारी फॉर्म होती है, हैव हैज हैड। वर्ब्स टू डू, डू डज डिड, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स, इसकी हम डिस्कस करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब टू बी यानी इसकी जो फॉर्म होती है इज एम आर वॉज वर, इज एम आर
तीनों वर्ब्स का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में, मैंने अभी बताया आपको, और वॉज वर्ब का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। इज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नंबर के साथ हम कर चुके हैं, इज जैसे आई के साथ नहीं आता कभी भी, ही इज, शी इज, ठीक है, या फिर नाउन होगा बॉय इज, गर्ल इज, ये होता है। गर्ल्स के साथ आर लगता है हमेशा, बॉयज के साथ आर, और यू के साथ भी आर, वी के साथ भी आर, दे के साथ भी आर। नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ होता है। एम का प्रयोग केवल आई के साथ होता है। आर और वर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। वॉज का प्रयोग पास्ट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इन ऑक्सिलरीज का प्रयोग प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव वाक्यों में होता है। इसके लिए टेंस का अध्याय देखे, यानी सॉरी इसमें जो नोट लिख रखा, मतलब हम टेंसेज कर चुके हैं, हमने पढ़ा है ऑक्सिलरीज वर्ब्स कैसे यूज हुई हैं हमारी, इनका प्रयोग एक्टिव पैसिव और इसमें भी होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक्टिव पैसिव हमने कर लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हमने कर लिया है। अब हम यूज़ ऑफ टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब इन वेरियस सेंटेंसेज, जैसे टू बी को हम यूज़ करते सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वॉज वर्ब प्लस नाउन और प्रोनाउन होता है, जैसे ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, दे आर स्टूडेंट्स, वी आर फ्रेंड्स। ठीक है, इसको हमने ज़्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं, हम ट्रांसलेशन में ये सब कर चुके हैं कि कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पर जो इज है ना स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये इज ये हमारी मेन वर्ब की तरह यूज हुई है, क्योंकि इज के बाद कोई दूसरी एक्शन वर्ब नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर टू बी फॉर्म यूज हुई है। टू बी फॉर्म यानी टू बी की बी जो फॉर्म होती होना, उसके प्रेजेंट टेंस में यूज हुई। यहाँ पर इज क्या है, हमारी मेन वर्ब की तरह यूज़ हुई है, ना कि हेल्पिंग वर्ब की तरह। उसी तरीके से इज यहाँ भी मेन वर्ब की तरह यूज़ हुई है, यहाँ आर मेन वर्ब की तरह यूज़ हुई है। अगर इनके बाद कोई दूसरी वर्ब होती ना स्टूडेंट्स, तब ये हेल्पिंग वर्ब हो जाती, यानी ऑक्सिलरी हो जाती, और उसके बाद मेन वर्ब हो जाती। ओके, नेक्स्ट है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज एम आर सब्जेक्ट होती है। ये हम इसके यूज़ हैं, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड होता है उसके बाद इज एम आर हम लगाते हैं, तो ये इसके यूजेज हैं स्टूडेंट्स। इनको आप ध्यान से पढ़ना, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट वाली बात नहीं, अगर आप इनको ध्यान से पढ़ोगे तो ईजिली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, देर इज वाला हमने, देर वाले सेंटेंस हम कर चुके हैं, देर वाले सेंटेंसेज आप इसमें से पढ़ के देखना अच्छे से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम 7 पॉइंट पे आते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा सा करते हैं। जब वाक्य का सब्जेक्ट एक इन्फिनिटिव के रूप में होता है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू से शुरू हो जाता है जो, और जो यानी टू प्लस टू के रूप में होता है, तो निम्न सेंटेंस स्ट्रक्चर का प्रयोग उचित लगता है। टू मीट यू इज नाइस की जगह इट इज नाइस टू मीट यू लिखना ज़्यादा उचित होता है। टू मीट तो जैसे हमारा इन्फिनिटिव होता है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखते, हम इसको इट इज लगा देते इसके आगे शुरू में, इट इज नाइस टू मीट यू। ठीक है, तो हम इसको यूज कर लेते इट इज, इट प्लस बी और एडजेक्टिव हम यूज करते, बी की फॉर्म हमने इज एम आर लगा दी यहाँ पे। इट इज सो नाइस टू वॉक हियर विद यू, तुम्हारे साथ यहाँ चलना बड़ा अच्छा लगा। यह इट का मतलब यह होता है, लेकिन यह की कोई हिंदी नहीं है, फिर भी हमने इट यूज किया है इसके लिए। इट वॉज अ प्लीजेंट सरप्राइज टू टॉक विद हर, उसके साथ बातें करना बड़ा प्लीजेंट सरप्राइज था। इट इज़ अ मिस्टेक टू इग्नोर देयर एडवाइस, उनके एडवाइस को इग्नोर करना एक मिस्टेक है। इट इज़ सो वंडरफुल टू स्विम हेयर विद यू, तुम्हारे साथ यहाँ तैरना बहुत वंडरफुल बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें भी जैसे दिखा रखा है हाउ के साथ, वट के साथ हम एडजेक्टिव नाम, हाउ नाइस लगाते हैं हम, इसके साथ सीधा एडजेक्टिव लगेगा या नाउन लगेगा। हाउ नाइस टू टॉक हेयर विद यू, तुम्हारे साथ यहाँ बात करना कितनी अच्छी बात है। वट अ मिस्टेक टू इग्नोर देयर एडवाइस, उनके एडवाइस को इग्नोर करना कितनी बड़ी मिस्टेक है, ये सब चीज़ें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको यहाँ 12 पार्ट्स तक आप इसको पढ़ के देखना, कोई डाउट है आपका तो आप ज़रूर मुझे बताना। और स्टूडेंट्स पता नहीं आप लोग वीडियोस देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो, और क्योंकि आपका कोई कमेंट नहीं आता, कोई रिएक्शन नहीं आता है, और व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं, क्योंकि वीडियो को देखने से पता, व्यूज़ से पता चल जाता है कि कितने स्टूडेंट्स ने वीडियो देखी है। ठीक है, तो आप जब भी ये वीडियो करो तो लास्ट तक ज़रूर देखना इसको, और क्योंकि व्यूज़ से हमें मुझे पता चल रहा है तो कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कितने नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये आपका ही लॉस है। आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ो, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है ये आप लोगों के लिए, आगे वैकेंसीज निकलेंगी तो उसमें कोई किसी तरह का आपको डाउट नहीं रहेगा और क्लियर हो जाएंगे एग्जाम्स। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।
Goodbye.